मशहूर मियाँ याद है ना कि आज वेयर हाउस जाना है? जी जी याद है याद है। बस दुआ करें कि रूही ने खाना बनाया हुआ, खाना खा के जाएंगे। रूही दिन में स्कूल जाती है, भूल जाते हैं आप। हाँ तो वाकई मुझे याद नहीं था, उसने भी अपना एक स्केड्यूल बना लिया है, बिजी हो गई। अच्छी बात। क्या अच्छी बात है? यही कि काम से लग गई है। और जो लोग इसके पीछे लग गए हैं, ये बात आपको बॉदर नहीं करती? उसकी काबिलियत से जलते हैं, जो काबिल नहीं है वही जलेंगे, और जो काबिल हैं और रूही से नहीं जलते वो भी तो पूछते होंगे कि रूही कौन है। कोई ना कोई जवाब तो देना पड़ेगा ना उनको। जो माजी में हुआ उसका आप और भी जान जानते हैं और मैं जानता हूं, लेकिन बाकी लोग तो यही समझते हैं कि रूही भी जान के लिए जा रहे जो लाहौर से आई है। आखिर कब तक? मेरी बात अभी खत्म नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। लोगों के जहनों में सवालों को पनपने ना दें। आगाही की गैर मौजूदगी में लोग अपने जवाब खुद ढूंढ लेते हैं, एंड आई डोंट ब्लेम देम। वक्त आ गया है एक बार सबको बिठाएं और समझा दें, बता दें सबको। मैं बता देता हूँ, मुझको बता देता हूँ, लेकिन शायद मुझे इतनी हिम्मत नहीं। उसके बच्चों को ये मालूम नहीं है कि उसकी माँ की पहले शादी हुई थी और उसकी एक औलाद थी जिसका नाम रूही। हाँ वो रूही मर चुकी है मेरा भैया, वो रूही मर चुकी है, ये रूही वो नहीं है। ये बात आपको समझानी पड़ेगी भी जान। समझती तो नहीं है ना मशहूर, वो नहीं समझती है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इतनी निडर और हिम्मत वाली औरत इस बात को सुनने और समझने के लिए क्यों तैयार नहीं है, क्यों घबराती है। मैं ये बात शायद रोहिल से कह भी देता, लेकिन नहीं, मैं रोहिल को जानता हूँ, इतना तो मुझे भरोसा है कि वो इस बात को समझ जाएगा। शायद तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो। मुझमें हिम्मत नहीं है यार, हालात और वाकयात में शायद मुझे कमजोर कर दिया। अब जिंदगी की इन तमाम बातों को समझने के लिए मुझमें हिम्मत नहीं है। हिम्मत पैदा करें, बीजान को समझाएं। इस मौजू पे अजारा दारी मेरी है, मैं गजाला की इजाजत के बगैर ये बात किसी को नहीं बता सकता। मुझको समझने की कोशिश करें। अल्लाह का शुक्र है मुझे अपने फैसले पर कोई नदामत नहीं है। इनफैक्ट जमशेद से शादी के 2 महीने बाद ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था रूही। हाँ जब मैं इस घर में पहली दफा आई थी तो तुम्हारी शादी चल रही थी रूही, याद है? लेकिन आई एम सो सॉरी, उस वक्त मुझे अपनी शादी की इतनी खुशी थी कि किसी चीज का होश ही नहीं था। ऐसे ही होता है, हम लड़कियां बहुत खुश होती हैं लेकिन बाद में बहुत पछताती हैं। सब नहीं, हाँ लेकिन अक्सर मोहब्बत की शादियों का बुरा ही अंजाम देखा है। उस वक्त तो ये होता है कि बस जल्दी से घर वालों को मना लो। हाँ लेकिन वालदैन अपनी औलाद के लिए मान जाते हैं, प्यार करते हैं ना बहुत, जिसे मेरी माँ मान गई थी और समझाया था उन्होंने मुझे, लेकिन आंखों पे पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई होती है।
समझ ही नहीं आती, लेकिन वक्त सब समझा देता है। सही वक्त पर सही फैसला ना करो तो पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचता आपके पास। रूही, एक बात पूछूं मैं तुमसे? कहीं तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें किसी और औरत की वजह से तो नहीं छोड़ा? बाज मर्द किसी वजह से रिश्ता नहीं तोड़ते, बस धोखेबाजी उनका पेशा बन जाता है। औरत या तो उनके लिए वक्त गुजारने का सामान बन के रह जाती है या मुस्तकबिल में आगे बढ़ने की सीढ़ी। बिल्कुल सही कहा तुमने रूही, मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही था। पहले दिन से जमशेद को मुझसे ज्यादा मेरे घर वालों की दौलत से गर्ज था, और घर वाले तो अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुछ कर करने के गुजरते हैं। बस उसने यही कमजोरी पकड़ ली थी। तुम दोबारा शादी करोगी? इतने बुरे एक्सपीरियंस के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो हिरा ही मेरा मुस्तकबिल है और मेरी जॉब और फिर प्यारी सी बीजान, ये घर, तुम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं खुश हूं। सेम है रूही, तुम्हें पता है मैं चाहती हूँ कि पहले मैं मास्टर्स कर लूं, फिर अपना अच्छा सा एक क्लोथिंग ब्रांड खोल लूं। हमारे ना खानदान में बिजनेस है, बस मेरे सर पे मोहब्बत का भूत सवार हो गया, वरना मेरा अभी अच्छा खासा बिजनेस सेटअप। अभी भी कोई देर नहीं हुई है शम्मू, तुम सब कर लोगी, आई ट्रस्ट यू। अच्छा चलो, बीजान की दवाई का टाइम हो गया, उनके पास चलते हैं। रूही यार, तुम्हें सब याद रहता है क्योंकि वो मेरी भी तो माँ है ना। चल।